स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। क्लास एट हिंदी फर्स्ट 18 चैप्टर सेकंड लेक्चर। बेटा आपने चूड़ामणि के बारे में फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, उनकी बेटी ममता थी। चूड़ामणि के मरने के बाद जब ममता विपत्ति कहाँ से आई, उसने सोचा कि ये विपत्ति कहाँ से आ गई। उसके दरवाजे पर एक मुगल सैनिक आया और उसने कहा कि ये मुगल दया के पात्र नहीं होते हैं। तो उसने कहा कि उसने स्वस्थ होकर मुगल ने कहा कि माता तो क्या मैं चला जाऊं। तब वो ममता विचार कर रही थी कि मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि की का पालन करना चाहिए और यहाँ कर्तव्य करना है। तब वो अपनी मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा होता है और ममता कहती है कि आश्चर्य, तुम भी छल करो, ठहरो, छल नहीं अब नहीं, स्त्री जाता हूँ। वो तैमूर था, तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा, जाता हूँ, भाग्य का खेल है, वो ये कह के चला जाता है। अब ममता के मन में कहाँ कौन सा दुर्ग, यही झोपड़ी, ये सब बातें चल रही थी और उसने सोचा मुझे कर्तव्य करना चाहिए था। वो बाहर चली गई और मुगल से बोली, जाओ भीतर थके हुए भयभीत पति, तुम चाहो तो मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ और ब्राह्मण कुमारी हूँ और अपना धर्म छोड़ दो तो मैं क्यों छोड़ दूँ। मुगल ने चंद्रमा के मन प्रकाश से महिमामय मुखमंडल को देखा और उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवारों में चली गई और उस पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। बेटा वो राजा था जो विश्राम करने वाला, तो प्रभात में खंडहर की संध में ममता को देखा। सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे थे और अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगे। उसने सोचा ये भी हमारे साथ विश्वासघात न करे। जब वो झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ, शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चीत्कार ध्वन से वो प्रांत गूंज उठा और वो स्त्री कहाँ है उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई और मृगदाव में चली गई, दिन भर उससे ना निकली। संध्या में जब उस लोगों ने उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना पति घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था, मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ ना दे सका, उसका घर बनवा देना क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम किया था, ये स्थान भूलना मत। इसके बाद वे सब यहाँ से चले गए और चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 साल की वृद्धा हो गई थी और उसने अपनी झोपड़ी में एक दिन देखा कि वो पड़ी हुई थी। शीतकाल का प्रभाव था, सर्दी का मौसम था और वो खास खास के उसका बुरा हाल था और उसने 3-4 स्त्रियां गांव की उसको घेर कर बैठी हुई थी। वो आजीवन सबके सुख दुख में साथ देती थी। तो ममता ने जल पिया और स्त्री के सीपी से जल पिलाया और वो अश्वारोही उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई दिया। तो वो अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया था वो तो इसी जगह का है, वो बुढ़िया मर गई होगी, अब किससे पूछूं। एक दिन सहनशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे, इस घटना की तो 47 वर्ष से ऊपर टाइम हो गया। ममता ने अपने विकल कानों से सुना, उसके पास स्त्री ने कहा, उसे बुलाओ। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वो सहनशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वो रहा, मैंने सुना था वो मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे रहा है, भगवान ये सुन रहा है, मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनवाओ या महल, मैं अपने विश्राम गृह में जाती हूँ। और अश्वारोही देखता रहा, बुढ़िया के प्राण पंछी उड़ गए और वहाँ पे अष्टकोण मंदिर बना और उस पर एक शिलालेख लगाया गया। सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन वहाँ पे विश्राम किया था और उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में गगनचुंबी मंदिर बनवाया और उसमें ममता का कहीं नाम नहीं था। अब बेटा आपका ये लेक्चर फिनिश होता है, आप लोग अपना होमवर्क नोट कीजिए। ये बेटा आपको होमवर्क में करना है, ये मौखिक प्रश्न है, ये आपको अपनी फेयर रफ नोटबुक में लिखना है, फेयर में मत लिखना। ममता कौन थी, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं चैप्टर रीडिंग लगा के और लर्न भी करने हैं। अगला लेक्चर कल पढ़िएगा। थैंक यू क्लास।